मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। हमारे दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल जहां मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती रखते हैं और दूसरा हॉस्पिटल जो है वहां मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। मैं बताने वाला हूं जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, उन्होंने अपने लिए क्या क्रिएट करना चाहिए, क्या फ्यूचर क्रिएट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। देखो बच्चों के हम पीछे पड़ते पढ़ाई करो मगर उनको ये पहले करना चाहिए कि उनकी इच्छा क्या है, उनकी डिजायर क्या है, वो चाहते क्या है। क्योंकि बड़ी यदि डिजायर होगी, बड़ा गोल होगा, बड़ा उद्दिष्ट होगा, बड़ी सोच होगी तो क्या होगा, यदि बड़ा उद्दिष्ट होगा, बड़ा डिजायर होगा तो फिर अंदर के विचार आप या बदल जाएंगे, सोच बदल जाएंगे। और जब सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं तो फिर नए 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 एक्शंस आ जाते हैं, नए नए कृति आ जाती है। और नए एक्शन यदि करेंगे तो फिर नए रिजल्ट मिलेंगे। जो भी आप मतलब जो भी बच्चों को इच्छा है, डिजायर है, तो वो तय करना वो जरूरी है और जितना जल्दी तय करेंगे उतना अच्छा है। और वो भी बड़ी डिजायर, बड़ा सोच, बड़ा ध्येय, बड़ा उद्दिष्ट वो करना जरूरी है। क्योंकि बड़ा यदि सोच रहा हो, बड़ा गोल रहा तो होता क्या है, उत्साह आता है, बहुत जोश आता है, बहुत एनर्जी आती है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उससे आप ही आप कृति आ जाती है, एक्शन करना शुरू हो जाता है। जैसे दृढ़ निश्चय या वचनबद्ध होना कोई गोल के लिए या कोई डिजायर के लिए वचनबद्ध होना, और वो यदि करते हैं कि नो मैटर व्हाट मुझे तो वो करना ही है, तो आप ही आप एक्शन आते जाएगी और फिर आप ही आप एक्शन आएंगे तो फिर रिजल्ट्स आप ही आप आते जाएंगे। पर बच्चों ने ख्याल में रखना है कि जो भी डिजायर आपके, जो भी गोल्स है, वो अपने फायदे के लिए या अपने आप के ऊपर फोकस करने के लिए या अपने को क्या फायदा मिलेगा उसके लिए नहीं करना है। जो भी आपने गोल्स है, जो भी आपके डिजायर है, वो मैं लोगों के कैसे काम में आ जाऊंगा, मैं जो भी काम करूंगा, जो भी सीखूंगा, जो भी पढ़ूंगा, जो भी मैं बिजनेस करूंगा, जो भी मैं लाइफ में करूंगा, उससे लोगों को क्या फायदा होगा, यदि वो वहां से मैं यदि वो क्रिएट करता हूं, वहां से यदि वो मैं तय करता हूं, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा पढ़ाई करना या कोई भी काम करना। यूजली यह है कि बच्चे जिंदगी काट रहे हैं, मतलब कैसा तो भी करके निकालना है, चलो पास होना है, आगे ढकेलना है। पढ़ाई क्यों करें उनको मालूम नहीं है, पीछे लगते माँ बाप इसलिए पढ़ाई करना है। बड़ा कुछ करना है करके पढ़ाई करना ऐसा नहीं होता है कि भाई मुझे कुछ बड़ा करने का है, मुझे कुछ बड़ा सोचने का है और फिर उसके लिए कृति करने की है ताकि मैं लोगों के लिए कुछ काम में आऊं। होता यह है कि सिर्फ पढ़ाई करना अपने खुद के ऊपर फोकस है, वहां से लालच आती है, वहां से चिंता आती है, और जब चिंता है, लालच है, तो फिर क्या होता है, प्रेशर काम का है, वो दबाव आता है, व्यक्ति रिजल्ट्स को अटैच हो जाता है कि मुझे रिजल्ट्स चाहिए, आउटकम चाहिए, और फिर कृति बराबर होती नहीं। तो सोचना है फ्यूचर के बारे में, आगे के बारे में सोचना है, मगर काम कब करना है, अभी इसी वक्त करंट सिचुएशन में 100% अपना देके काम करने का है। जीना अभी है, जीना ऐसा है कि आज का अपना पहला और आखिरी दिन है। प्लानिंग ऐसा करना है कि मैं 100 साल जीने वाला हूं और वो भी मैं लोगों के काम में कैसा आऊंगा, वहां से जीना है। तो जब भी कोई पढ़ाई करे तो पढ़ाई के लिए वजह चाहिए और वो वजह है लोगों के काम में आने की। और वो हम यदि बच्चों को सिखाते हैं तो डेफिनेटली मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चे पढ़ाई खुद करेंगे। उल्टा हो सकता है कि बच्चों को बोलना पड़ेगा पढ़ाई मत कर और बोलेंगे नहीं मेरे को पढ़ाई करने का है, क्योंकि मुझे कुछ भी बड़ा बनने का है। तो बच्चों को जहां भी प्रॉब्लम होगा या माँ बाप को प्रॉब्लम होगा बच्चों को पढ़ाई कैसे करना उसके बारे में, तो जरूर ये वीडियो उनको शेयर करो ताकि माँ बाप को जो समस्या है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, वो समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। आपके फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर वो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।